दोस्तों बात करें बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स की, तो मुझे लगता है आधा बॉलीवुड तो कपूर फैमिली के लोगों से ही भर जाता है। और यही रीजन है कि कपूर फैमिली का नाम बॉलीवुड की टॉप फैमिलीज में से भी एक है। तो पिछले 100 सालों से कपूर फैमिली बॉलीवुड पे राज कर रही है। तो इस वीडियो में हम आपको कपूर फैमिली के कुछ ऐसे रिश्ते बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो और सुन के आप एकदम शौक हो जाए। तो मैं ईशा, हमारे YouTube चैनल द ईशा टॉक शो पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको और बॉलीवुड रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं कपूर फैमिली की पांचों जनरेशन के बारे में। तो इस फैमिली की शुरुआत होती है पृथ्वीराज कपूर से, जिनका जन्म 3 नवंबर 1906 पेशावर पाकिस्तान की एक पंजाबी खत्री फैमिली में हुआ था। पृथ्वीराज कपूर के फादर बेशावर नाथ कपूर पाकिस्तान में एक पुलिसमैन हुआ करते थे। वहीं पृथ्वीराज 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, 5 भाई और 3 बहनों में से। पृथ्वीराज कपूर के भाई त्रिलोक कपूर भी एक एक्टर थे, वैसे मैंने तो इनका नाम पहली बार सुना है। और वहीं अनिल कपूर, बोनी कपूर और संजय कपूर के फादर सुरेंद्र कपूर पृथ्वीराज कपूर के कजिन भाई भी लगते थे। पृथ्वीराज कपूर जी ने अपना एक्टिंग करियर लियालपुर और पेशावर पाकिस्तान से शुरू किया था। फिर 1923 में उनकी शादी हो गई राम सारनी मेहरा से छोटे मोटे रोल करने के लिए। 1928 में वो बॉम्बे आ गए और फिर आने के बाद उनने फिल्म कंपनी खोलने के लिए अपनी एक आंटी से लोन भी लिया और इस कंपनी का नाम रखा इम्पीरियल फिल्म कंपनी। 1929 में उनने एज अ साइड आर्टिस्ट अपना डेब्यू किया और इस फिल्म का नाम था बेधारी तलवार। इस मूवी के बाद महज 2 सालों में 1930 में फिल्मों में मेन लीड रोल करने का मौका भी मिला और इस फिल्म का नाम था सिनेमा गर्ल, पर ये तो बॉय थे सॉरी। के बाद उनकी ये हिट फिल्म और इनकी जानदार एक्टिंग के कारण इनको फिल्मों में लगातार मौके मिलने लगे, जैसे कि उनकी सबसे फेमस फिल्मों में से एक है मुगले आजम, जिसको आज भी काफी याद किया जाता है। फिर पृथ्वीराज कपूर जी के 6 बच्चे हुए, शमी कपूर, राज कपूर, शशि कपूर और बेटी उर्मिला सियाल कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर, बहुत सारे कपूर ही कपूर। अब आते हैं पृथ्वीराज कपूर जी के सबसे बड़े बेटे राज कपूर जी पे। 14 दिसंबर 1924 में राज कपूर भी पेशावर पाकिस्तान में ही पैदा हुए। बचपन से ही पृथ्वीराज कपूर जी को देख के राज कपूर जी का भी फिल्मों में इंटरेस्ट बढ़ गया और महज 10 साल की उम्र में ईयर 1935 में उनकी इंकलाब नाम की फिल्म से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू हुआ। 1947 में नीलकमल नाम की मूवी में मधुबाला जी के अपोजिट इनको एज अ मेन लीड रोल मिला और एक्टिंग के साथ साथ उनको फिल्में बनाने का भी काफी शौक था, इसीलिए 1948 में उनने अपनी खुद की एक फिल्म कंपनी खोली जिसका नाम आरके फिल्म्स रखा गया। वहीं अपना खुद का स्टूडियो भी बनाया जिसका नाम रखा आरके स्टूडियो और आज भी बॉम्बे के जाने माने फिल्म स्टूडियो में से एक है। और यहाँ से सफर चालू हुआ एक लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स को एक नए मुकाम पर पहुँचा दिया। फिर राज कपूर जी की शादी 1946 में कृष्णा मनोत्रा से हुई। कृष्णा मनोत्रा जी मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के आईजी की बेटी थी। राज कपूर जी ने ये शादी वैसे अपने घर वालों के पसंद से की थी, लाइक अरेंज मैरिज। फिर भी काफी टाइम तक उनका नाम वैजंती माला और नरगिस दत्त जी के साथ काफी चर्चाओं में रहा। नरगिस जी के साथ उनका रिलेशनशिप पूरे 9 साल तक चला, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन के कारण ब्रेकअप हो गया और उसके तुरंत ही बाद नरगिस जी ने सुनील दत्त जी से शादी कर ली। वहीं दूसरी तरफ नरगिस के अलावा वैजंती माला से भी उनकी नजदीकियां दुनिया से छुपी नहीं रह पाई। राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा जी के 5 बच्चे हुए, रणधीर कपूर, रितु कपूर, रिशि कपूर, रीनमा कपूर और राजीव कपूर, अगेन काफी सारे कपूर। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर भी एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं। कमाल है उस्ताद, जब मैं धोखा दे रहा था वो असलियत समझ रही थी और आज असलियत को धोखा समझ के चली गई। जिन्होंने एक्ट्रेस बबीता कपूर से शादी करी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। हाँ, मैंने नाम करिश्मा सही लिया है और करिश्मा नहीं है गाइस। हाल ही में करिश्मा ने ये बात एक इंटरव्यू में खुद बताई कि उनका नाम का प्रोनंसिएशन लोग बहुत गलत करते हैं। वैसे तो करिश्मा कपूर का भी फिल्मी करियर शानदार था और 90s की वो टॉप और हिट एक्ट्रेसेस में से एक थी। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। फिर 2003 में करिश्मा कपूर की शादी हुई संजय कपूर से, जिनसे उनको 2 बच्चे हुए, टी समायरा कपूर और बेटा कियान राज कपूर। लेकिन 13 साल बाद 2016 में वो अपने पति से अलग हो गई। इनकी छोटी बहन करीना कपूर ने अपना बॉलीवुड करियर साल 2000 में चालू किया और देखते ही देखते करीना बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से भी एक बन गई।
फिर 2012 में करीना कपूर की शादी हुई सैफ अली खान से। एक अच्छे फिल्म एक्टर होने के साथ साथ सैफ अली खान पटौदी खानदान के आखिरी राजा इफ्तियार अली खान के पोते भी हैं। वहीं इनके फादर मंसूर अली खान एक पटौदी राजा होने के साथ साथ अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं। जिनकी वाइफ है एक फेमस एक्टर शर्मिला टैगोर जी। करीना कपूर और सैफ अली खान के दो बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान, टिम और जे। नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये क्यूट बच्चे इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल रहते हैं। फिर नाम आता है रितु नंदा का, जिनका अपने भाई और पापा की फील्ड को छोड़ के इंटरेस्ट जगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, इसलिए उनने शादी करी बहुत बड़े बिजनेसमैन राज नंदा जी से। जिनके दो बच्चे हैं, निखिल नंदा और नताशा नंदा। फिलहाल निखिल नंदा एस्कॉर्ट ग्रुप के सीईओ हैं और कपूर खानदान के सबसे अमीर वारिस भी हैं। निखिल नंदा की शादी हुई फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से। जिनके दो बच्चे हुए, अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा। काफी नया नवेला नाम है। अगस्त्य नंदा को आपने हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की आर्ची मूवीज में तो देखा ही होगा, और आजकल नव्या नवेली नंदा को मॉडलिंग और फैशन बिजनेस में देखा जा रहा है। फिर नाम आता है राज कपूर के बेटे रिशी कपूर का। वैसे बहुत से लोगों को लगता है कि राज कपूर जी के सबसे छोटे बेटे हैं रिशी कपूर, पर ये थर्ड नंबर के बेटे हैं। रिशी कपूर भी एक लेजेंडरी एक्टर रह चुके हैं कि शादी हुई एक फेमस एक्ट्रेसेस नीतू कपूर जी से। रिशि कपूर और नीतू कपूर के दो बच्चे हुए, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर। रिद्धिमा कपूर पेशे से तो एक फैशन डिजाइनर है और उनकी शादी हुई बिजनेसमैन भरत सानी जी से। वही रिद्धिमा और भरत की एक बेटी है जिसका नाम है समारा कपूर। फिर नाम आता है रिशि कपूर के लाडले बेटे रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर की शादी हुई आलिया भट्ट से। वैसे तो आलिया भट्ट को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और हाल ही में इन दोनों की एक बहुत ही क्यूट सी बेटी हुई, राहा कपूर। फिर नाम आता है राज कपूर जी की बेटी रीमा कपूर का, जिनकी शादी बिजनेसमैन मनोज जैन से हुई और दो बेटे भी हुए। एक का नाम है अरमान जैन और दूसरे का नाम है आदर जैन। फिर नाम आता है राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का। इनने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तो करी, पर ज्यादा फिल्में नहीं करी। वैसे उनकी फेमस फिल्मों में से एक है राम तेरी गंगा मैली, और 10-12 फिल्में करने के बाद उनने फिल्मों से ज्यादा डायरेक्शन और प्रोडक्शन में फोकस करा। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक आर्किटेक्ट आरती सबरवाल से हुई थी, जो केवल 2 साल ही चल पाई, उसके बाद उन दोनों का डिवोर्स हो गया। अब ये तो थी पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर की फैमिली ट्री। अब नाम आता है उनके दूसरे बेटे शम्मी कपूर का, जिनकी शादी एक बहुत ही मशहूर एक्टर गीता बाली जी से हुई। लेकिन इनकी शादी के 10 साल बाद ही गीता बाली जी का देहांत हो गया। शम्मी कपूर और गीता बाली जी के दो बच्चे थे, आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन कपूर। आदित्य राज कपूर एक डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन रह चुके हैं। आदित्य की शादी हुई प्रीति कपूर से, जिनसे उन्हें दो बच्चे हुए, तुलसी कपूर और विश्व प्रताप कपूर। अब आते हैं शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर पे, जिनकी शादी केतन देसाई से हुई, जो एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। इन दोनों की दो बेटियां हुई, पूजा देसाई और राजेश्वरी देसाई। फिर नाम आता है शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी नायला देवी कपूर का, जिनकी शादी 1969 में हुई। एक इंटरव्यू में उनने बताया था कि कैसे उनने शम्मी कपूर और गीता देवी के दोनों बचपना मान के अपने खुद के बच्चे ना करने का फैसला लिया। अब नाम आता है पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे शशि कपूर जी का। शशि कपूर जी ने शादी करी थी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस जेनिफर किंडल से, जिनके तीन बच्चे हुए, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। कुणाल कपूर की शादी फेमस डायरेक्टर रमेश सिप्पी की बेटी शीना सिप्पी से हुई, लेकिन शादी के बहुत सालों बाद इनका रिश्ता टूट गया, पर इनके दो बच्चे हैं, जहान कपूर और शायरा कपूर। नाम आता है शशि कपूर के दूसरे बेटे करण कपूर का, जो एक अच्छे फोटोग्राफर, एक्टर और मॉडल रह चुके हैं, जिनकी शादी हुई लॉर्ना कपूर से, और इनके दो बच्चे हैं आलिया कपूर और जैक कपूर। नाम आता है शशि कपूर की बेटी संजना कपूर का, बहुत ही अच्छी थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी है और आज भी अपने भाई करण के साथ मिलके अपने दादा के नाम के थिएटर पृथ्वी को चला रही है। संजना के पहले हस्बैंड थे फिल्म डायरेक्टर और राइटर आदित्य भट्टाचार्य, जिनसे कुछ सालों बाद उनका डिवोर्स हो गया। उनकी दोबारा शादी हुई एक हिस्टोरियन और फिल्म मेकर वाल्मीकि थापा से। फिर इनका एक बेटा हुआ हमीर थापर। फिर नाम आता है पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला सियाल कपूर का, जिनकी शादी हुई चरणजीत सियाल से, जो एक कोल माइन के मालिक थे। इनके चार बच्चे हुए, जतिन सियाल, अनुराधा सियाल, नमिता सियाल और प्रीति सियाल। जतिन की शादी 2003 में कविता शर्मा से हुई। इनकी दो बेटियां भी है, आमिया सियाल और मायरा सियाल। कंप्लीट होती है पृथ्वीराज कपूर के चारों बच्चों की फैमिली ट्री। नो, आप सभी सोच रहे होंगे कि वीडियो की स्टार्टिंग में तो मैंने बोला था कि इनके 6 बच्चे हैं, पर ये तो 4 ही हुए।
तो इनके बचे हुए दो लड़कों की स्टोरी तो बहुत ही सैड है, नंदी कपूर और देवी कपूर। में देवी कपूर को 1931 में डबल निमोनिया हो गया था के कारण उनकी जान चली गई, और महज एक हफ्ते में नंदी कपूर ने 4 साल की उम्र में गलती से रेड पॉइजन खा लिया था, जिसके कारण उनने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों ये था पृथ्वीराज कपूर से लेके अभी तक की जनरेशन में सबसे छोटी राहा कपूर तक का लेखा जोखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और फैमिली के बारे में भी सेम एक्सप्लेनेशन दूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।